सनी देओल की फिल्म गदर 2 एक महीना पूरा होने के बाद अब धीरे धीरे बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ रही है। तो वहीं जवान नए नए रिकॉर्ड्स बना रही है। जी हाँ, शाहरुख खान की एक्शन ड्रामा फिल्म जवान ने सनी पाजी उर्फ तारा सिंह की अगर बात करें तो दुनिया भर में इतनी कमाई करने के अरमान पर जो जवान मूवी है उसने पानी फेर दिया है। क्या है पूरी कहानी, देखिए इस वीडियो क्लिप में। सनी देओल 22 साल के बाद अनिल शर्मा के निर्देशन में बनी फिल्म गदर 2 से तारा सिंह बनकर फैंस के बीच लौटे। गदर एक प्रेम कथा के मुकाबले गदर 2 को फैंस का दोगुना ज्यादा प्यार मिला। हालांकि अब जवान के सिनेमा घरों में आने के बाद गदर 2 का कलेक्शन भी धीरे धीरे डाउन हो रहा है। गदर 2 की वर्ल्ड वाइड कमाई पर भी अब जवान ने धावा बोल दिया है। वर्ल्ड वाइड गदर 2 ने जल्द ही 600 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था और उनका अगला टारगेट 700 करोड़ की कमाई करने का था, लेकिन अब जवान ने आते ही इस सपने पर पानी फेर दिया है। गदर 2 की सोमवार को वर्ल्ड वाइड महज 2 करोड़ के करीब ही कमाई हुई। दुनिया भर में अब तक गदर 2 ने टोटल 672 करोड़ का कलेक्शन किया है। तो वहीं किंग खान की फिल्म जवान ने वर्ल्ड वाइड तो कहर ढाया हुआ है, तो वहीं इंडिया में भी ये फिल्म कमाई के मामले में रॉकेट की स्पीड से दौड़ रही है। जवान ने अपनी रिलीज के 4 दिनों के अंदर ही बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। शाहरुख खान की फिल्म 500 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है। जवान ने जहां सिर्फ भारत में 4 दिनों में 286 करोड़ के करीब कमा डाले हैं, तो वहीं अब 4 दिनों में ही फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 520 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है।